का इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC के विरोध में बृहस्पतिवार दोपहर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जामिया से राजघाट तक पैदल मार्च के दौरान पुलिस की मौजूदगी का है, जिसमें एक लड़के ने तमंचा निकालकर यह लो आजादी कहते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को गोली चला दी। इस दौरान हाथ में गोली लगने से जम्मू कश्मीर निवासी जामिया का छात्र शदाब फारूक घायल हो गया। गोली चलाने के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए पीछे खड़ी पुलिस की ओर पहुंच गया। इसी बीच पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। उधर घायल छात्र को तत्काल होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से एम्स के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से जामिया मिलिया कैंपस में तनाव का माहौल हो गया। देर शाम तक पुलिसों ने होली फैमिली अस्पताल के सामने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोका हुआ था, लेकिन वह राजघाट जाने की जिद पर अड़े थे। बता दें कि गोली चलाने वाले युवक का नाम गोपाल शर्मा बताया जा रहा है, जो कि कुछ दिनों से अपनी फेसबुक पर आजादी और CAA को लेकर पोस्ट भी अपलोड कर रहा था। द भारत टाइम्स में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहें द भारत टाइम न्यूज़।